तो गाइस अब देख सकते हैं फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भरूच, और भरूच में आपको दिखा पा रहा हूं जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है उसका नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बुलेट ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, पिछला ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था भरूच का, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बुलेट ट्रेन का जो भरूच में स्टेशन बन रहा है उसका लोकेशन दिखाऊंगा, और काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि जी हाँ आप इसका स्टेशन का अपडेट दीजिए। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिलहाल भरूच का स्टेशन बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का, उसी का नज़ारा दिखाऊंगा। ये भरूच से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, और यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हरी हरी हरियाली है, और ये तूर दाल की फसल आप देख सकते हो दोस्तों कितनी मस्त यहाँ पे खेती हो रही है। तो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, और आगे से आपको कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाएंगे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, करते वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको बताऊँ, हमने आपको इस तरफ का जो अपडेट दिया था अभी पिछले ब्लॉग में, तो उसमें आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, और तो उसके बाद हम यहाँ पर वापस आए हैं, आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट, जो कि बुलेट ट्रेन का यहाँ पर भरूच के अंदर जो स्टेशन बनाया जा रहा है उसी का मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां तक पूरे पिलर कंप्लीट दिखाई दिए, और यहां पर आगे से बाकी है इसका मैं आपको बता दूं, यहां पर पूरा पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप मैं आपको बता दूं, यहां पर पूरी यहाँ पर देख रहे हैं ना पानी ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर पूरा पाइलिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है। और ये भरूच का जो काम है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, 2 से 3 महीने इसका स्टेशन का काम चालू, 2 महीने हुए अभी तक, और ये 2028-29 तक कम्प्लीट होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, एक भैया थे उन्होंने बताया था, उनकी देख रेख में काम हो रहा है, उन्होंने बताया था कि इसको लगभग 2 से 2.5 महीने हुए लगभग काम स्टार्ट हुए, और ये 2029 में या 28 में कंप्लीट होगा। तो जब तक ये बन के कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको इसी प्रकार से नए नए अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दहेज का हाईवे है, दहेज के हाईवे के पास ये काम चल रहा है, और वहाँ तक आपको कंटिन्यू बाहर तक मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा हाईवे तक का, जो दहेज के लिए हाईवे भरूच दहेज हाईवे है, वहाँ पर ये उसके बीचों बीच में काम चल रहा है दोस्तों। तो देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार से क्रॉसिंग बनाया जाएगा, कैसे होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 3 फ्लोर बनाए जाएंगे, इसके 3 माले का स्टेशन होगा ये, 2nd फ्लोर पर इसका प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, अंडर पहले माले पर इसकी पार्किंग होगी, और ऊपर दोस्तों टीन का सेट बनाया जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने सूरत का स्टेशन देखा होगा बुलेट ट्रेन का, उसी प्रकार से ये बनने वाला दोस्तों। तो बढ़ेंगे आगे, तो आपको कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाता ले जाऊँगा दोस्तों, चलते रहिए। और यहाँ पर पूरा चारों तरफ ये काम बुलेट ट्रेन का आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ है फिलहाल, और यहाँ से लगभग ये 1 किलोमीटर, जैसा मैं आपको बता दूँ 1 किलोमीटर के दायरे में ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है भरूच का दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर पाइलिंग का काम चालू है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर LNT का काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, यहाँ पर पूरा पाइलिंग का काम चल रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जाले वगैरह कैसे जा रहे हैं, जो पिलर के अंदर डाले जाते हैं वही जाले दोस्तों यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, और यहाँ पर पाइलिंग का काम अभी जोरों शोरों में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने वाला है लास्ट तक दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा, और ये क्रेन मशीन है जो सामान को ऊपर उठा कर ले जाती है, जो पिलरों के ऊपर रखा जाता है उसी के काम आती हैं, और भारी भारी सामान ये सब जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जाले वगैरह इसी मशीन इन मशीनों द्वारा उठाया जाता है। देख लीजिए कितना मस्त यहाँ से व्यू दिखाई देता है दोस्तों, और ये बुलेट ट्रेन हमारे भारत का सपना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सब क्रेन मशीन है जो सामान उठाया जाता है भारी भरकम, और ये सब हमारे मजदूर लोग हैं जो मशीनें चलाते हैं, ये देख सकते हैं। और आगे काम थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर पूरी मिट्टी वगैरह लाई जा रही है क्योंकि इसको ऊंचा बनाया जाएगा, उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर।
इसके अंदर भारी भारी जेसीबी मशीनें लाई जाती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, क्रेन मशीनें वगैरह इसके अंदर रख के लाई जाती हैं और ये सब मिट्टी वगैरह डाली जा रही हैं। और काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है हमारे देश का, बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस जगह पर दोस्तों पिलर, इस जगह पर गाड़े जाएंगे, यहाँ पर पाइलिंग का काम जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा पाइलिंग का काम है और ये पूरा का पूरा तीन माले का बनेगा और फर्स्ट फ्लोर पार्किंग का, सेकंड फ्लोर इसका बुलेट ट्रेन का प्लेटफॉर्म बनेगा। तो मैं बीच में से निकलता हूँ और आपको आगे तक का नज़ारा दिखाऊंगा लास्ट तक। और ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का इसकी 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबाई है इस बुलेट ट्रेन स्टेशन की, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, भरूच के स्टेशन की। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ना, ये वाटर टैंक है दोस्तों, इसके अंदर पानी वगैरह रखा जाता है, ये पानी की सप्लाई यहाँ से होती है, देख सकते हैं पाइप वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वाटर सप्लाई की जाती है। आगे तक आपको कंटिन्यू बना के दिखाऊंगा मेन रोड तक, ये पूरा का पूरा स्टेशन का नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ये सब पिलर वगैरह हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने, ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा, ये प्लेटफॉर्म के पिलर तो इधर आएंगे जो बुलेट ट्रेन के, और ये जो स्टेशन होगा ना उसके पिलर, जो स्टेशन की 2-3 माले का इसको बनाया जाएगा उसी का। और ये पाइलिंग का काम यहाँ पर जोर शोर में चल रहा है, जब तक ये पूरा बन के कम्प्लीट नहीं होगा दोस्तों आपको मैं ये अपडेट देता रहूँगा, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का हुआ या सिटी मेट्रोज भी, और चाहे ये बुलेट ट्रेन का अपडेट हुआ दोस्तों। तो आपको देखने देख के अंदाज़ा लग ही सकता है कि आपको कितना यहाँ पर काम अभी कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल ही काम स्टार्ट हुआ है। और ये पायर मशीन है, इसको पाइलिंग मशीन बोलते हैं, इनसे ज़मीन के अंदर बोरिंग वगैरह किया जाता है ना, उसी का पाइलिंग का काम करती हैं ये। तो मैं वापस से इस रोड के पास आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों सामने, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप सभी को लोकेशन दिखाते हुए। और आगे काफ़ी ज़्यादा काम अंदर का हो चुका है कंप्लीट, सरिया वगैरह सब डाल के वो उसको बनाया जा रहा है, वो नज़ारा जल्दी आपको आगे देखने को मिलेगा अभी। तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा रखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिलर बनाया जाएगा, पिलर की जगह आप देख सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लिखा हुआ है की बैक डीप एक्सटेंशन, यानी आगे गहरी खुदाई है, डेंजर। तो हम आगे जा रहे हैं रोड की तरफ, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पिलर बनाया जाएगा बुलेट ट्रेन का, ये सब पूरा पाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर स्टेशन बनने जा रहा है बुलेट ट्रेन का भरूच का दोस्तों, आप देख लीजिए। और ये नज़ारा कुछ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब बनाए जाएंगे, आप देख सकते हैं उधर आगे की तरफ जहाँ पे जो पिलर वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं तैयार होना, अभी नज़दीकी से दिखाऊंगा जहाँ पे पिलर वगैरह सब तैयार किए जा रहे हैं, उसी के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं, उसी का नज़ारा आपको दिखाएंगे। और आगे तक आपको लगभग देखने को मिलेगा पूरा कंटिन्यू उसका नज़ारा दोस्तों, अभी लगभग 500-600 मीटर की दूरी और है हाईवे की जहाँ तक ये इसका पिलर वगैरह स्टेशन बनाया जा रहा है भरूच का, और उसके आगे भी इसका काम चालू नर्मदा नदी के ऊपर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और ये देखिए ये पावर, साइलेंट पावर, यानी ये जनरेटर मशीन है, ऐसे बिजली पैदा होती है। और ये मिनी जनरेटर, ऐसे लाइटिंग पैदा होती है, उधर लाइट पर नाइट को जलाया जाती है, जिले में चार्ज होती है, रात को लाइटें जलती हैं इससे। ये नया अपडेट। तो गाइस जब देख सकते हैं फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भरूच, और भरूच में आपको दिखा पा रहा हूं जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है उसका नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिलहाल मैं स्टेशन के बीचों बीच में आ चुका हूँ, जहाँ पर ये आप ये पिलरों का काम देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे पिलर का काम चल रहा है जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है भरूच में, यहाँ पर पिलर वगैरह तैयार हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये लगभग 2-2.5 महीने जैसा इसको स्टार्ट हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और सारे वर्कर लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, रेस्ट लंच टाइम हो चुका है दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं दोस्तों सारे वर्कर लोग जा रहे हैं। इस तरफ टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब बनाए हुए हैं जो वर्कर लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर पानी के टैंक वगैरह रखे हुए हैं,
और ये सारा नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों आप। यहाँ पर सामने पावर स्टेशन है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर स्टेशनों के पास पावर स्टेशन होते हैं ना, उसी का पावर स्टेशन भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाउंड्री है ना वहाँ पर पावर स्टेशन है। और ये काम यहाँ तक चल रहा है दोस्तों। सूरत भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन का नया अपडेट मैं आपको दे पा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा हमें दोस्तों खुशी होती है अपडेट दिखाते हुए, और आप सभी के नए नए अपडेट आते हैं, मैं वैसे ही आपको अपडेट दिखाता रहता हूँ दोस्तों। तो आप सब लोग इसी में काम करते हो ना सर जी? कहाँ से आप सब? कहाँ से? हाँ गाँव से, कोलकाता से हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर कलकत्ता या फिर बंगाल, यूपी, बिहार, ये सब लोग ज़्यादा काम करते हैं इधर, है ना? तो अभी आपका रहने का किधर है? सामने कॉलोनी है क्या? अभी तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी आपको, हैं? क्या करें, बच्चों के लिए परिवार के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो आज संडे को आपका पूरा हाफ डे रहता है, संडे को अपने रेस्ट करो, भी आराम करोगे जाके, है ना? कपड़े धोने का, सब कुछ करने का, सही बात है। फिर खाना बना आप सुबह खा के आते हो, नाश्ता करके आते हो? वो खाना बनाने वाला एलएनटी के हैं कि आपको? अच्छा, आपने पैसा अपने आपके रूम पार्टनर होंगे, है ना? जी जी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो आपको बना के दिखाता ला रहा था, मैं कितना कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। अभी आपने देखा लगभग 3 महीने से यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। मैंने काफ़ी सारे वर्कर लोग से भी पूछा था, और एक भाई थे उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे लगभग 3 महीने से काम स्टार्ट हुआ है। दोस्तों जैसे कि इसका 2027 के टारगेट है, 27 तक तो बनना मुश्किल है क्योंकि इसको 2028-29 तक कम्प्लीट होने वाला है। और ये जो मैंने आपको हाईवे बताया था दोस्तों, ये वही हाईवे से ये दहेज के लिए जाता है। थोड़ा आप आगे लेके आइए एक बार, यहाँ से ये सीधा दहेज का हाईवे है यार, इसका भरूच यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। और ये पावर स्टेशन है बुलेट ट्रेन का, जो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर भरूच स्टेशन। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ लिखा हुआ है भरूच स्टेशन। यहाँ पर भरूच का जो स्टेशन बन रहा है उसका नज़ारा मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों कैसा लगा नज़ारा आपको यहाँ कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नया अपडेट देखने को मिलता है दोस्तों। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।